तो जो रोमन रेंस का मैच होने वाला है हेल इन अ सेल 2021 के अंदर, उसमें आ सकता है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट कल के स्मैकडाउन के शो में। सो हेलो एवरीवन एंड बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग WWE के कल के स्मैकडाउन के शो के बारे में बात करेंगे, जो कि मेरे हिसाब से स्मैकडाउन का एक बहुत ज्यादा अच्छा एडिशन हो सकता है, क्योंकि कल का शो होगा रेसलमेनिया बैकलैश के बाद पहला स्मैकडाउन का शो। और ऊपर से शो के लिए ऑलरेडी बहुत कमाल का फेटल फोर वे चैंपियनशिप का मैच अनाउंस हो चुका है। और क्या इस मैच के अंदर टाइटल चेंज होगा या फिर नहीं, प्लस रोमन रेंस भी हमें जिमी ओसो को कल शो पर कन्फ्रंट करते हुए नजर आएंगे, मे बी अलिस्टर ब्लैक का फाइनली हो सकता है स्मैकडाउन के अंदर डेब्यू, और रोमन रेंस के हेल इन अ सेल 2021 के मैच के अंदर भी एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। तो सारी चीजें पॉसिबल चीजें कल के शो के ऊपर होने वाली है, उसकी प्रेडिक्शन इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले हमारे न्यूली क्राउन स्मैकडाउन के टैग टीम चैंपियन रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में। फाइनली जो बाप बेटी की टीम है वो हमें जीते हुए नजर आती है रेसलमेनिया बैकलैश के शो में, और अब ये दोनों चैंपियंस बन चुके हैं और मेरे हिसाब से डिफेंडिंग चैंपियन रहेंगे स्मैकडाउन के अंदर। तो मे बी कल के स्मैकडाउन के एपिसोड में हमें रे मिस्टीरियो और डोमिनिक या फिर एक रीमैच के अंदर जिग्लर और रॉबर्ट रूड का फेस करते हुए नजर आएंगे, और ये मैच स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप के लिए होगा, या फिर हो सकता है स्ट्रीट प्रॉफिट्स या फिर ओटिस और चैट गेबल उनसे एक नॉन टाइटल मैच में फेस करते हुए नजर आए। कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है किसी न किसी तरह हमारे न्यूली क्राउन चैंपियन बुक होने वाले हैं, ज्यादा चांसेस मेरे हिसाब से एक फिर से टाइटल रीमैच के ही हैं। और वहीं अगर मैं दूसरे मैच की बात करूं जो कि कल के शो के लिए ऑफिशियल हो चुका है, ये होने वाला है इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का एक बहुत बड़ा फेटल फोर वे मैच, और यहां पर द नाइजीरियन अपोलो क्रूज अपनी टाइटल को डिफेंड करने वाले हैं बिग ई, सैमी ज़ेन और केविन ओवंस के खिलाफ। और आई थिंक इस मैच में अपोलो क्रूज की चैंपियनशिप बहुत ज्यादा खतरे में है। वो अलग बात है उनके पास एक थोड़ा सा एडवांटेज है कि अगर कमांडर अजीज मैच में इंटरप्ट करेंगे तब भी मैच के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी, बल्कि अपोलो क्रूज की यहां पर मदद होने वाली है। लेकिन यहां पर डिसएडवांटेज ये है कि सिर्फ बिगी नहीं होंगे उस मैच में, बल्कि केविन ओवंस और सैमी ज़ेन भी वहां पर होंगे, और आपको पता है अभी फिलहाल केविन ओवंस एक बेबी फेस आ रहे हैं, तो उनके सामने अगर कोई भी आएगा भाई उसकी धज्जियां केओ अपने उड़ाने वाले हैं। और पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि केविन ओवंस के न्यू इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन बनने का भी कल काफी ज्यादा चांस है। अगर मैं इस एक मैच की यू नो विनर प्रेडिक्शन करूं तो सबसे ऊपर मैं केविन ओवंस को रखना चाहूंगा एज न्यू चैंपियन, दूसरे पे आते अपने अपोलो क्रूज कि वो टाइटल रिटेन करेंगे, थर्ड नंबर पे सैमी ज़ेन आते हैं कि मे बी वो भी न्यू चैंपियन क्राउन हो सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल हो सकता है WWE उनको पुश देना चाहती हो। और आई थिंक बिगी का नाम यहाँ पर नंबर फोर्थ पर आता है कि वो हमें एक बार फिर से IC टाइटल को कैप्चर करते हुए नजर आए। बाकी देखो भाई कल शो के ऊपर क्या होता है, लेकिन जरूर से जो ब्लॉकबस्टर मैच है फेटल फोर वे, ये मैच ऑफ द नाइट भी बन सकता है, क्योंकि ये चारों सुपरस्टार्स अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे इस इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच के अंदर। और वहीं अगर मैं बात करूं अपनी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन की, तो बायंका ब्लेयर ने फाइनली बेली के खिलाफ अपने टाइटल को रिटेन जरूर कर लिया रेसलमेनिया बैकलैश में, लेकिन इस मैच की जो एंडिंग थी वो थोड़ी यू नो अजीबो गरीब आप कह सकते हो, क्योंकि बेली का ये मानना था उन्होंने किकआउट किया, लेकिन रेफरी ने उस बात को नोटिस ही नहीं किया। और बायंका ब्लेयर की बात रही तो वो जरूर काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि रेसलमेनिया के बाद ऐसा पहला पेपर व्यू था जहां पर उन्होंने अपने टाइटल डिफेंड किया और सक्सेसफुली उसे रिटेन भी कर लिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बायंका ब्लेयर और जो बेली की मैच की एंडिंग है उसे एक बात साफ पता लगती है कि इन दोनों का फ्यूड यहां पर खत्म बिल्कुल नहीं हुआ है, और कल के स्मैकडाउन के शो में एक बार फिर मेरे हिसाब से बेली बायंका ब्लेयर के ऊपर या फिर हमला करेंगी या फिर उन्हें कन्फ्रंट करती हुई नजर आएंगी। और मेरे हिसाब से मे भी शाशा बैंक्स भी कल वापस आ सकती हैं, और WWE हेल इन अ सेल पेपर व्यू के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच प्लान कर सकती है जहां पर शाशा बैंक्स बेली और बायंका ब्लेयर का फेस करती हुई नजर आए, या फिर मिया यिम के डेब्यू का भी चांस बनता है, क्योंकि लगातार WWE उनके डेब्यू को पुश कर रही है। पहले पिछले हफ्ते हो रहा था, उससे पिछले हफ्ते हो रहा था कि भाई मिया यिम का डेब्यू 2-3 हफ्तों से लटका हुआ है, तो शायद इस हफ्ते फाइनली वो जो लटका वाला डेब्यू है वो हो जाएगा स्मैकडाउन के अंदर। एंड ऐसा हो सकता है अगर WWE उन्हें पुश दे तो वो बायंका ब्लेयर को भी कन्फ्रंट कर सकती हैं। और वहीं बात रही डेब्यू के बारे में, तो अलिस्टर ब्लैक का रिटर्न डेब्यू का इंतजार हम लोग एक लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं कि भाई स्मैकडाउन के अंदर कब एक बार फिर से अलिस्टर ब्लैक वापस आएंगे। अभी फिलहाल WWE सिर्फ उनके रिटर्निंग जो प्रोमोज है वो हमें दिखा रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कल के स्मैकडाउन के शो के अंदर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अलिस्टर ब्लैक फाइनली अपना डेब्यू करें। मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि रेसलमेनिया बैकलैश के बाद का स्मैकडाउन का शो होगा, आने वाला जो नेक्स्ट पेपर व्यू हेल इन अ सेल है उसमें भी काफी लंबा टाइम है, तो अलिस्टर ब्लैक को आप सही से बुक भी कर सकते हो शो के लिए और आपको एक अच्छा मैच भी मिल सकता है। तो शायद चांसेस मुझे लग रहे हैं या फिर अलिस्टर ब्लैक कल स्मैकडाउन के शो के अंदर किसी सुपरस्टार के ऊपर हमला करेंगे, मजा आ जाएगा अगर वो इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल मैच के अंदर इंटरप्ट करें, या फिर हो सकता है मे बी WWE उनका खुद डेब्यू करवाते हुए नजर आए किसी पार्ट टाइमर या फिर जॉबर के अगेंस्ट में, और अलिस्टर ब्लैक उस मैच
में अपने पूरी डोमिनेंस के साथ जीत हासिल कर लें। और वहीं हम लोग बढ़े हैं अगर यूनिवर्सल टाइटल मैच के सिनेरियो की तरफ, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कल के शो के ऊपर, क्योंकि पहली चीज़ जो होने वाली वो ये कि रोमन रेंस कन्फ्रंट करने वाले हैं जिमी उसो को, और वो पूछेंगे भाई तेरे को दिक्कत क्या है, तू मेरे साथ क्यों नहीं आना चाहता है। और जिमी उसो और रोमन रेंस का ये जो प्रोमो सेगमेंट है वो नो डाउट बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है। और भाई ये तो बात मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि कल भी जिमी उसो वही लाइन कहेंगे जो कि उन्होंने पिछले हफ्ते की थी कि वो किसी के भी नौकर नहीं है, तो वो रोमन की बात को क्यों फॉलो करें। मुझे ऐसा लगता है कि सेथ रॉलिंस, जे उसो और सिजारो भी इसी सेगमेंट के अंदर हमें इन्वॉल्व होते हुए नजर आएंगे। जे उसो बार बार कहेंगे जिमी उसो से नहीं भाई तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए तभी तुम आगे बढ़ पाओगे, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। और मुझे ऐसा लगता है सेथ भी यहां पर रोमन का साथ देने आएंगे, लेकिन सिजारो आ सकते हैं यहां पर साथ देने के लिए जिमी उसो का, और मे बी जिमी उसो थोड़े फेस सुपरस्टार यू नो बनते हुए नजर आएंगे। और सिजारो और जिमी उसो मुझे ऐसा लग रहा है टैग टीम एक्शन के अंदर भी हो सकते हैं स्मैकडाउन के मेन इवेंट के अंदर, जब वो फेस करें जे उसो और सेथ रॉलिंस का। अगर जे उसो को डब्ल्यूडब्ल्यूई यहां पर नहीं ऐड करना चाहते, वो और अच्छा मेन इवेंट करना चाहती है, तो मे बी रोमन और सेथ एक टैग टीम के अंदर आ सकते हैं और वो फेस कर सकते हैं जिमी उसो एंड सिजारो का। आई थिंक ये जो मैच है एक परफेक्ट मैच रहेगा, रेटिंग ड्रॉ अच्छी हो सकती है इस मैच से। और वहीं मेरे हिसाब से ये भी हो सकता है कि कल शो के ऊपर एक फेटल फोर वे मैच अनाउंस हो जाए हेल इन अ सेल के लिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन और सिजारो का जो फ्यूड है उसको कंटिन्यू रखे, जो सेथ रॉलिंस ने सिजारो पर हमला किया उसके कारण वो मैच के अंदर ऐड हो जाए। जिमी उसो तो टाइटल शॉट चाहते ही हैं, तो मे बी रोमन अपनी टाइटल फिर एक फेटल फोर वे मैच में भी डिफेंड करते हुए नजर आ सकते हैं, जब वो सेथ, जिमी उसो और साथ में फेस करें और किसी का नहीं बल्कि सिजारो का। या फिर ये हो सकता है कि कल हेल इन अ सेल पेपर व्यू के लिए दो मैचेस अनाउंस होते हुए नजर आए, जिमी वर्सेस रोमन, दूसरा मैच होगा सेथ वर्सेस सिजारो इनसाइड हेल इन अ सेल स्ट्रक्चर। तो भाई ये वो कुछ चीजें जो कि मेरे हिसाब से कल के स्मैकडाउन के शो के अंदर हो सकती हैं। ओवरऑल स्मैकडाउन का शो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होगा, बाकी देखते हैं कल शो पर हमें क्या कुछ चीजें दिखाई देती हैं। और गाइस आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक करने के साथ आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी कर सकते हो ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल की नौ भी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।